आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अब तक हम चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर चुके हैं 12th क्लास का। आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की, और इसका नाम है विद्युत परिपथ। क्लियर। विद्युत परिपथ का जो पहला टॉपिक है ये है किरचॉफ का नियम। कई इसको किरचॉफ का नियम भी बोलते हैं, कई इसको किरचॉफ का नियम भी बोलते हैं। और ये जो नियम है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार का पूछा हुआ है, और आपको इसको हर हाल में याद करना ही करना है। तो किरचॉफ के निम्न दो नियम हैं, किरचॉफ ने दो नियम दिए थे। पहला नियम देखिए, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम या धारा का नियम, मतलब प्रथम नियम जो है वो धारा का नियम भी कहलाता है, इसको किरचॉफ का प्रथम नियम भी कहते हैं। ये कहता क्या है ये नियम देखिएगा आप। ये नियम कहता है कि अगर कोई विद्युत परिपथ है और उसमें कोई संधि बिंदु है, जैसे मान लीजिए किसी विद्युत परिपथ का ये एक संधि बिंदु है, और इस बिंदु पर जो धारा आ रही है, देखो जैसे धारा I1 आ रही है, धारा I2 इस पर आ रही है, धारा I3 इस पर आ रही है, और धारा I4 इससे जा रही है, ठीक है, धारा I4 इससे जा रही है और I5 इससे जा रही है। तो मतलब कि इस संधि बिंदु पर जितनी धारा आ रही है उतनी ही धारा बाहर निकलेंगी, अर्थात आने वाली धाराओं का योग, अर्थात I1 + I2 + I3 वो जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा, अर्थात I4 और I5 के प्लस के बराबर होगा। तो I1 + I2 + I3 का जो मान है वो I4 + I5 है। हम देख रहे हैं कि इस बिंदु पर कोई विद्युत का स्रोत नहीं है, अर्थात जितनी धारा आएंगी उतनी ही धारा यहाँ से बाहर निकलेंगी। तो किसी विद्युत परिपथ के किसी संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग, अर्थात I1 + I2 + I3 का योग जाने वाली धारा, अर्थात I4 और R5 के बराबर होगा। समझना इसको, किरचॉफ के अनुसार किसी विद्युत परिपथ के संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग उस बिंदु से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इसे किरचॉफ का प्रथम नियम या धारा का नियम कहते हैं। आपको ये चित्र याद रखना है, और ये चित्र अगर आपको याद है तो आप ये भी समझ सकते हो कि किरचॉफ के प्रथम नियम में विद्युत धारा की बात की जाएगी, और विद्युत धारा की जो बात की जाएगी उसकी वैल्यू यहाँ पर ये, इसलिए इसकी विद्युत धारा की बात कर रहे हैं, तो ये धारा का नियम कहलाएगा। तो आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग, या I1 + I2 + I3 बराबर I4 + I5। यह नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। बिल्कुल, आवेश संरक्षण पर आधारित क्यों है? क्योंकि जितनी धारा आ रही है, धारा आने का मतलब आवेश का आना है, धारा जाने का मतलब आवेश का जाना है। तो इसमें कुल मिला के देखा जाए तो इस संधि बिंदु पर आवेश आ रहे हैं और आवेश जा रहे हैं, तो जिक्र यहाँ आवेश का भी हो रहा है, इसलिए कह दिया आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। आपको किरचॉफ के प्रथम नियम के साथ ये डायग्राम याद रखना है। डायग्राम के याद होते ही आप कह सकते हो कि ये धारा का नियम कहलाएगा, और जब ये धारा का नियम है तो ये आवेश संरक्षण, धारा है तो आवेश है, तो ये आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये भी आ सकता है कि वह प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, तो आपका उत्तर होगा आवेश के संरक्षण पर आधारित है। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है इसका दूसरा नाम बताइए, तो वो है धारा का नियम। अगली बात कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम जिसे धारा का नियम भी कहते हैं किसके संरक्षण पर आधारित है, तो आप कहोगे आवेश के संरक्षण के नियम पर आधारित है। अब द्वितीय नियम की मैं बात कर लेता हूँ। किरचॉफ का द्वितीय नियम या लूप नियम, लूप नियम, लूप का मतलब बंद पथ होता है। कि जैसे मान लीजिए ये कोई बंद पथ है, कोई परिपथ है, और ये इसमें ई बैटरी लगी है, के यहाँ कुंजी लगी है, और इसमें आई धारा बह रही है, और इसमें दो प्रतिरोध R1 और R2 लगे हुए हैं। तो यहाँ से मैं चला और ये बंद पथ हो गया है कंप्लीट, तो ये है लूप का नियम। तो किसी बंद पथ में उपस्थित प्रतिरोध, किसी बंद पथ में उपस्थित प्रतिरोध तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का गुणा, किसी बंद पथ में उपस्थित प्रतिरोध, जैसे
समझना मेरी बात को, जैसे ये आर वन ये है ना, आर वन प्रतिरोध है, इसमें जब आई धारा बहेगी तो इस पर इसके सिरों पर कितना विद्युत वाहक बल या विभवांतर, कितना विभवांतर पैदा हो जाएगा, वो हो जाएगा आई आर वन। मतलब कि आर वन प्रतिरोध में जब आई धारा बहेगी तो इसके सिरों पर आई आर वन विद्युत आई आर वन विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आर टू जो प्रतिरोध है, इसके 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 अंदर जब आई धारा प्रवाहित होगी तो इसके सिरों पर आई आर टू क्या पैदा हो जाएगा, विभवांतर पैदा हो जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि इन दोनों पर मिलाकर कुल कितना विभवांतर पैदा हो गया, वो हो गया आई आर वन प्लस आई आर टू। और अभी आई आर वन और आई आर टू जो विभवांतर पैदा यहाँ हुआ है, जो यहाँ पैदा हुआ है, वो इस ई बैटरी की वजह से, जिसका इस बैटरी की वजह से जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल ई है, इसकी वजह से ये सब उत्पन्न हो रहा है। इसलिए यहाँ ये जो ई आ जाएगा और ये जो आई आर वन जो आई आर टू है ये ई के बराबर होगा। तो ई बराबर क्या बनेगा, आई आर वन प्लस आई आर टू। तो मैं कह सकता हूँ कि किसी बंद किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद पथ में प्रवाहित विद्युत धारा तथा लगे हुए प्रतिरोधों का गुणनफल का योग उसमें लगी बैटरी के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। हो सकता है कि बैटरी, यहाँ मैंने सिंपल सा एक बैटरी लगाई, अगर दो बैटरी होती तो ई वन प्लस ई टू भी हो जाता। क्लियर? तो समझना मेरी बात को, किसी बंद पथ में, ये बंद पथ है, उपस्थित प्रतिरोध, ये प्रतिरोध है, तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा जो आई है का गुणा आई आर वन है का बीजीय योग, का मतलब जितने भी इस परिपथ में लगे हुए उन सब का योग आई आर वन आई आर टू, उस लूप में उपस्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों के, ये जो सेल लगे हुए हैं इनके विद्युत वाहक बलों के, यहाँ तो एक लगा दो तीन होते तो ई एन प्लस ई टू हो जाता, सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। इसे किरचॉफ का प्रथम द्वितीय नियम या लूप का नियम भी कहते हैं। तो ये इसका डायग्राम हो गया और ये ई बराबर हो जाएगा आई आर वन प्लस आई आर टू। क्लियर? अब इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें लूप की बात हो रही है, इसलिए ये लूप का नियम भी कहलाएगा। पहले वाले नियम में चूंकि विद्युत धारा की बात हो रही थी इसलिए वो धारा का नियम कहलाता, और इसमें चूंकि जितना इसका वोल्टेज था उतना वोल्टेज इन दोनों पर उत्पन्न हो रहा है, इसलिए ये सब विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, इसलिए ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, जबकि प्रथम नियम आवेश के संरक्षण पर आधारित था और जो द्वितीय नियम है वो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। ये आपको याद रखना है। तो प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? प्रथम नियम है आवेश के संरक्षण पर आधारित है और द्वितीय नियम है ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। प्रथम नियम है किसका नियम है? धारा का नियम है, और द्वितीय नियम जो है वो लूप का नियम है।